अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हाज़िर हुए हैं कीमे की शानदार रेसिपी के साथ। उम्मीद है कि आपको पसंद ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। आप मेरे तरीके से आप भी बनाकर देखें, और मेरी वीडियो पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करें, और मेरी रेसिपी को पूरी जानने के लिए लास्ट तक बने रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। 1 किलो कीमा लिया है जिसको मैंने धोकर इसमें रख दिया है पानी निकलने के लिए। लिए 4 प्याज, इनको बारीक काटना है, और हरी मिर्चें टमाटर इनको भी बारीक काटना है। ये ली हूँ लहसुन अदरक, इसका पेस्ट बनाना है। 1 चम्मच गरम मसाला लिए, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक लिया है। नमक वैसे टेस्ट के मुताबिक डलता है। अब सबसे पहले 2 चमचे डाले हैं मैंने तेल, डालते हैं प्याज और इसको भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके, अब शामिल करते हैं इसमें कीमा। कीमों को भूनेंगे 3-4 मिनट तक इस तरह चलाते हुए। शामिल करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको थोड़ी देर तक भूनना है। फिर कीमे को हमने 2-3 मिनट तक भून लिए, और शामिल करते हैं इसमें मसाला। मसाले को भूनेंगे थोड़ी देर तक, 3-4 मिनट तक। कीमा हमने 3-4 मिनट तक भून लिए, अब टमाटर और हरी मिर्च शामिल करते हैं। इनको चलाकर कैप लगा देते हैं, उससे क्या होगा ये गल भी जाएगा और जितना पानी निकलना है उसका एक साथ निकल जाएगा। 3 सीटी लगाते हैं, उसके बाद इसको खोल कर पकाना है। खोल कर इसको देखते हैं, इसको खोल कर पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क हो। जब तक इसको खोल कर पकाना है, उससे क्या होता है इसकी स्मेल भी निकल जाएगी और अच्छे से भुन भी जाएगा, और ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। इसलिए इसको 10-15 मिनट तक इसी तरह खोल कर पकाना है, चलाते हुए बीच बीच में चलाते रहें। कीमा हमारा तैयार होने जा रहा है, इसमें करते हैं थोड़ी क्रीम शामिल। तैयार हो चुका है, शामिल करते हैं हरा धनिया, और इसी के साथ करते हैं गैस ऑफ। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को करें लाइक शेयर, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।